आइए आज बात करते हैं महिलाओं की सेक्स समस्या इसके बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। महिलाओं की सेक्स समस्या के बारे में काफ़ी कम जानकारी लोगों को है, उसके बारे में चर्चा होती नहीं है। महिलाएँ डॉक्टर के पास में जाती नहीं है, जाती है तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास में जाती है जो इसमें तज्ञ नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है, फिर वो उनके मर्जी से जो भी सलाह देना है वो देते हैं, दे डोंट गो टू सेक्सोलॉजिस्ट के पास में जाती नहीं है। 43% महिलाओं को सेक्स प्रॉब्लम रहता है, ऐसा एक स्टडी में पाया गया है। मेनली चार तरह की सेक्स समस्या महिलाओं में दिखाई देती है। एक है इच्छा कम होना, इच्छा ही नहीं है सेक्स करने की। दूसरा उत्तेजना कम होना, अराउज नहीं होती जल्दी, या होती है तो कम होती है अराउज। तीसरा है कि चरम सीमा पर न पहुंचना, ऑर्गेजम नहीं आना, जो एक्साइटमेंट आती है और ऑर्गेजमिक डिसऑर्डर होता है, चरम सीमा पर न पहुंचना। और चौथा है कि सेक्स करने समय दर्द होना। अब ये मेनली चार बीमारी हमने देखी, तो इसका इलाज भी करना जरूरी है। हमको देखना पड़ेगा कि इसमें प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं। नंबर एक कि उनको कोई मेडिकल कंडीशन है, मतलब कोई शारीरिक बीमारी है। नंबर दो कोई मानसिक बीमारी है कि जिसके वजह से ऐसा हो रहा है। नंबर तीन कुछ दवाइयाँ चालू है कोई शारीरिक बीमारी के, जो दवाइयों से ऐसा होता है। नंबर चार उनकी जो उम्र है वो हिसाब से, समझो मेनोपॉज है, मतलब अभी मेंस्ट्रुएशन या मासिक धर्म जो है वो अभी बंद होते आ रहा है, तो उस समय, या फिर नेक्स्ट कुछ कल्चरल ऐसे दिमाग में बैठी हुई है आइडियाज कि नहीं बच्चे हो गए अब क्यों करना है इसलिए नहीं होता, या फिर पति पत्नी में संबंध ठीक नहीं है इसलिए फिर उसकी इच्छा नहीं होती, या फिर कोई शक पति के ऊपर है और इसके वजह से फिर वो कोऑपरेट नहीं करती है, उसकी इच्छा नहीं होती है, तो ऐसे कुछ मानसिक कारण भी या टेंशन स्ट्रेसेस भी हो सकते हैं। अब ये सभी का इलाज हो सकता है, क्योंकि यदि पुरुष को उसके घर में उसके पत्नी के साथ में उसको यदि जो चाहिए वो आनंद नहीं मिलता है, वो समाधान संतुष्टि नहीं मिलती है क्योंकि उसकी पत्नी उसमें इंटरेस्ट लेती नहीं है, खुश नहीं है, तो फिर उसका कहीं बाहर ध्यान जा सकता है। काफ़ी बार मैं महिलाओं को ये जब पति पत्नी आती तो उनको बोलता हूँ कि नहीं भाई ऐसा मत करो, आपको इच्छा नहीं है तो उसका इलाज करो, इच्छा कैसी हो जाएंगी, उसमें मजा कैसे आएंगी सेक्स में वो देखो। यदि आप अपने हस्बैंड को मना करती है तो फिर उसने क्या करना। तो मैं हरदम ये देखता हूँ कि सेक्स थेरेपी करो, काउंसिलिंग करो, उनके आपस में मेलजोल कैसा बैठता है वो देखो, ताकि वो कोऑपरेट करेंगी। क्योंकि यदि वो कोऑपरेट नहीं करती और हस्बैंड की यदि इच्छा पूरी नहीं होती घर में, तो फिर नेचुरली वो बाहर कहीं ना कहीं जा सकता है। तो इसलिए फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन जो है उसका इलाज होना जरूरी है, इलाज हम करते हैं। डिटेल कोई प्रॉब्लम होगा तो हमने नीचे नंबर दिए हुए, वहाँ आप कॉन्टैक्ट करके हमारे से संपर्क करके सलाह मशवरा कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।